गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम EVS में कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे? चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 का नेम क्या था? कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी ईटिंग का मतलब क्या होता है? तो कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिस पर लोग एक साथ, बहुत सारे लोग एक साथ भोजन करते हैं एक ही जगह पर, तो उस भोजन को हम कम्युनिटी ईटिंग बोलते हैं। कम्युनिटी ईटिंग मीन्स सामुदायिक भोजन। जैसे कौन कौन से फेस्टिवल्स हो सकते हैं? किसी की शादी है, वेडिंग है, कोई सेरेमनी है, कोई एनिवर्सरी प्रोग्राम है, हाउस वार्मिंग प्रोग्राम है, तो इन सब प्रोग्राम पे लोग एक साथ एक ही जगह पर बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मिड डे लंगर और भंडारास के बारे में, कि लंगर्स क्या होता है। लंगर्स भी एक कम्युनिटी ईटिंग का पार्ट है, जिसमें लोग, बहुत सारे लोग, गुरुद्वारा होता है ना, बहुत सारे लोग गुरुद्वारे में बैठकर बहुत सारे लोग एक ही भोजन को खाते हैं और फर्श पर एक ही जगह पर बैठते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मिड डे मील के बारे में। तो मिड डे मील क्या है? मिड डे मील एक स्पेशल प्रोग्राम है जो किसके द्वारा चलाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें क्या करते हैं? उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं, वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, लंच प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उनको क्या कराया जाता है? लंच प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे प्रोग्राम्स कौन चलाते हैं? गवर्नमेंट। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें ये सारे प्रोग्राम चलते हैं। मिड डे मील के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हमने पढ़े थे, कि इससे लोगों के बीच में शेयरिंग की भावना, इससे बच्चों के बीच में शेयरिंग की भावना आती है, एक साथ प्यार की भावना आती है, एकजुट की भावना आती है कि हम सब एकजुट हैं, सब एक हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? ईटिंग एट अ बोर्डिंग स्कूल। जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं वहाँ पर किस तरीके से बच्चे खाना खाते हैं? रौनक्स एल्डर सिस्टर अनीता स्टडीज इन अ बोर्डिंग स्कूल। जो रौनक की एल्डर सिस्टर है अनीता, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। इन अ डिफरेंट सिटी, किसी और सिटी में। जैसे होते हैं ना, कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर किसी और सिटी में, किसी और कॉलेज में पढ़ने चले जाते हैं, इसी तरीके से जो रौनक की एल्डर सिस्टर है अनीता, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। शी स्टेज इन अ हॉस्टल, और वो हॉस्टल में रहती है। द हॉस्टल हैज़ अ बिग डाइनिंग हॉल वेयर ऑल द स्टूडेंट्स ईट टुगेदर। तो वहाँ पर क्या होते हैं, हॉस्टल में एक डाइनिंग हॉल होता है, वहाँ पर बहुत बड़ी डाइनिंग हॉल होते हैं, अलग अलग डाइनिंग टेबल होती हैं, उस पर बच्चे बैठकर एक साथ, सारे स्टूडेंट्स एक साथ लंच करते हैं। दे हैव अ फिक्स्ड मेन्यू फॉर द वीक, और हफ्ते का उनका एक फिक्स्ड मेन्यू होता है कि आज आपको ये मिलेगा, कल आपको ये मिलेगा, या ब्रेकफास्ट में आपको ये मिलेगा, लंच में आपको ये मिलेगा, डिनर में आपको ये मिलेगा, तो उनका फिक्स्ड मेन्यू होता है। द स्टूडेंट्स लर्न टू ईट एंड एन्जॉय ऑल द डिशेज विच आर सर्व्ड। तो जो बच्चे होते हैं वो एक साथ खाना, उन सारे डिशेज को जो वहाँ पर सर्व की जाती हैं, उसको एक साथ खाना और उसको एक साथ एन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 10 एंड हो गया है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आपका वर्क है इसको अच्छे से रीड करना और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना। चलिए, अब हम एक बार इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। जब बहुत सारे लोग एक साथ खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिटी ईटिंग। ईटिंग टुगेदर प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ लव एंड टुगेदरनेस। एक साथ भोजन खाने से लोगों के बीच में प्यार भी बढ़ता है, प्यार की भावना भी आती है और एकजुट की भावना भी आती है कि वो सब एक है। जैसे अब लंगर में फर्श पर सारे लोग बैठते हैं, एक ही जैसा भोजन खाते हैं,
एक ही पर्यावरण को, एक ही इन्वायरमेंट को, सब चीज़ें उनकी एक ही जैसी होती हैं, तो उनके बीच में कोई भी मतभेद की भावना नहीं आती है कि तुम अलग हो हम अलग हैं। ठीक है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सबको ही फ्लोर पर बैठकर एक साथ खाना खाना होता है। इन लंगर द फूड इज सर्व फ्रॉम बकेट्स विद लॉन्ग हैंडल्स। और जो लंगर में खाने को जो सर्व किया जाता है वो किस में किया जाता है, बकेट होती हैं, बाल्टियाँ सी होती हैं, जिनका बहुत बड़े बड़े हैंडल होते हैं। इन सम स्कूल्स मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन। कुछ स्कूलों में जो मिड डे मील्स होते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। मिड डे मील्स का मतलब होता है दोपहर का भोजन। ठीक है, वो पढ़ने आएंगे और पढ़ने के साथ साथ उनको लंच भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमने कुछ बातें जो मेन थी वो हमने ये है पढ़ी। ठीक है, चलिए अब हम हमारा चैप्टर तो आज हमने फिनिश कर लिया, अब हम इसी के साथ इसके वर्ड मीनिंग्स भी लर्न कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपने वर्ड मीनिंग्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है वर्ड मीनिंग्स, तो वर्ड मीनिंग्स लर्न करना हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपका मील। क्या है फर्स्ट वर्ड, मील, एम ई ए एल। क्या है मील, एम ई ए एल। मील मीन्स क्या होता है बच्चों, भोजन। मील मीन्स क्या होता है, भोजन, या हम मील को वैसे फूड भी बोलते हैं, फूड ना भोजन, लेकिन वो खाना हो गया कुछ भी। मील, मील मीन्स होता है भोजन। नेक्स्ट है आपका टुगेदरनेस, टी ओ जी ई टी एच ई आर एन ई डबल एस। टुगेदरनेस मीन्स होता है एकजुटता। टुगेदर का मतलब आपको पता है ना, एक साथ, और टुगेदरनेस मीन्स एकजुटता, इसका मतलब ये है कि एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउस वार्मिंग। हाउस वार्मिंग मीन्स क्या होता है, गृह प्रवेश उत्सव। जब कोई भी नया घर लेता है तो नया घर लेने के बाद उसमें हवन पूजा वगैरह करवाते हैं ना, वो गृह प्रवेश जो होता है उसमें प्रवेश करते हैं गृह में, तो उस उत्सव को, उस सेलिब्रेशन को हम हाउस वार्मिंग कहते हैं। हाउस वार्मिंग मीन्स गृह प्रवेश उत्सव। एच ओ एस ई एच ओ यू एस ई सॉरी एच ओ यू एस ई डब्ल्यू ए आर एम आई एन जी हाउस वार्मिंग। हाउस वार्मिंग मीन्स गृह प्रवेश उत्सव। नेक्स्ट कास्ट। कास्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, जाति। कास्ट मीन्स जाति, सी ए एस टी ई, जाति। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट, रिलीजन। रिलीजन मीन्स होता है धर्म, आर ई एल आई जी आई ओ एन। रिलीजन मतलब होता है धर्म। नेक्स्ट है यूनिटी। यूनिटी मीन्स होता है एकता, यू एन आई टी वाई। यूनिटी मीन्स एकता। एकता का मतलब है जब सब लोग एक साथ होते हैं तो उसको हम एकता बोलते हैं, यूनिटी। ठीक है, यूनिटी मीन्स एकता। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य। जो आपकी हेल्थ है, स्वास्थ्य है जो आपका, तो हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। नेक्स्ट है कन्फेक्शनर, सी ओ एन एफ ई सी टी आई ओ एन ई आर। कन्फेक्शनर मीन्स होता है हलवाई। हलवाई या हम मिठाई बनाने वाला कह सकते हैं, या जो शादी वगैरह में जो खाना बनाते हैं उसको हम कन्फेक्शनर बोलते हैं। कन्फेक्शनर मीन्स हलवाई, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कन्फेक्शनरी शॉप होती है ना, कन्फेक्शनरी शॉप का मतलब होता है जो कि खाने के आइटम्स सेल करती हैं। कन्फेक्शनर मीन्स हलवाई, सी ओ एन एफ ई सी टी आई ओ एन ई आर। कन्फेक्शनर मीन्स होता है हलवाई। नेक्स्ट है कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी ईटिंग मीन्स सामुदायिक भोजन। कम्युनिटी ईटिंग मीन्स सामुदायिक भोजन, जब लोग, बहुत सारे लोग एक समूह में एक साथ एक ही जगह पर खाते हैं तो उसको हम सामुदायिक भोजन, कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 10 के आपके ये वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करना है। ठीक है, चलिए एक बार हम इनको दोबारा रिवाइज करते हैं। मील, मील मीन्स भोजन।
मील, मील मीन्स भोजन, टुगेदरनेस, टुगेदर मीन्स, टुगेदरनेस मीन्स एक जुटता। नेक्स्ट हाउस वार्मिंग, हाउस वार्मिंग मीन्स गृह प्रवेश उत्सव। कास्ट जाति, मील भोजन, टुगेदरनेस एकजुटता, हाउस वार्मिंग गृह प्रवेश उत्सव, कास्ट जाति। ठीक है सभी बच्चे अपनी आईज क्लोज कीजिए, मैं आपको इंग्लिश बोलूँगी और आपको उसकी हिंदी सुनानी है। मील भोजन, वेरी गुड, टुगेदरनेस, वेरी गुड, एकजुटता, हाउस वार्मिंग गृह प्रवेश उत्सव, वेरी गुड, कास्ट जाति। सभी बच्चे सुना रहे हैं ना, सभी बच्चे बोल रहे हैं। चलिए अब हम आगे के वर्ड मीनिंग्स और लर्न करते हैं। रिलीजन, रिलीजन मीन्स क्या होता है, धर्म, रिलीजन मीन्स धर्म। यूनिटी एकता, हेल्थ स्वास्थ्य, कन्फेक्शनर हलवाई, कम्युनिटी टिंग सामुदायिक भोजन। रिलीजन धर्म, यूनिटी एकता, हेल्थ स्वास्थ्य, कन्फेक्शनर हलवाई, कम्युनिटी ईटिंग सामुदायिक भोजन। फिर फटाफट से सभी बच्चे आइज क्लोज कीजिए, मैं आपको इंग्लिश बोलूँगी एंड यू हैव टू टेल हिंदी। ओके, रिलीजन धर्म, वेरी गुड, यूनिटी एकता, हेल्थ स्वास्थ्य, कन्फेक्शनर हलवाई, वेरी गुड, कम्युनिटी ईटिंग सामुदायिक भोजन। इसका मतलब बच्चों आपको ये वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए हैं, अब आपका काम है इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।